आपके शत्रु हम हैं, आपके रास्ता का काटा हम हैं। इसके बाद आप जो भी षड्यंत्र रचना चाहती है ना, आप हमरे विरुद्ध रचिएगा छुटकी माँ। मैंने माँ को अच्छे से पहचान लिया है मुझसे, और कोई गलती नहीं होगी। वो नहीं जानती हमको चैलेंज करने का अंजाम क्या होता है, उसको खत्म कर देंगे हम। क्या सोच रही हो काली, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? बड़े साहब, हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। किस बात का डर काली, अब किस बात का डर है? आपसे डर लग रहा है, आपको लेके हमको डर लग रहा है। बड़े साहब, आप छोटी माँ को कितना पहचानते हैं ये हमको नहीं पता है, पर हम तो आपको जानते हैं बड़े साहब, हम जानते हैं कि आप अंदर से इतना अच्छा इंसान है कि कोई भी आपके सामने प्यार का नाटक करके आपको धोखा दे सकता है। बड़े साहब जानते हैं, आपको धोखा देगा, बार बार धोखा देगा। काहे बड़े साहब, काहे बोलिए ना, काहे आप अपना तकलीफ इतना बढ़ा रहे हैं, बोलिए ना हमसे। इतना दया दिखाने से करने से कुछ नहीं होगा बड़े साहब, बोलिए ना हमसे, बोलिए। काली, तो मुझे बुरा इंसान बनने के लिए कह रही हो? मैं खुद की नजरों में नीचे नहीं गिर सकता हूं काली, भले ही मुझे धोखा ही मिला है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरे प्यार में, मेरे विश्वास में इतनी सी भी कमी नहीं थी काली, लेकिन आज जिस तरह से मैंने धोखा खाया, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पर भी विश्वास कर पाऊंगा, और अगर विश्वास नहीं कर पाऊंगा तो फिर धोखा भी तो नहीं खाऊंगा ना, है ना? बड़े साहब, आप हम पे विश्वास नहीं करेंगे, आप हम पे विश्वास नहीं करेंगे। काली, तुम साधारण नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ किसी की तुलना नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, ऐसे प्यार करने वाला कहीं नहीं मिल सकता। काली, मुझे जितना भी धोखा क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। कभी भी नहीं। मेरा सारा विश्वास टूट रहा है, लेकिन जानती हो, यह विश्वास टूटने पर बहुत तकलीफ होती है। मेरी सगी माँ मुझसे एक बात कहा करती थी, विश्वास और सास दोनों ही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। सास नहीं लोगे तो प्राण खो दोगे, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो इंसान को खो दोगे। इसीलिए जिंदा रहने के लिए तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कम से कम तुम पर विश्वास करके तो जिंदा रह सकता हूं।
इस समय हम लोगों को दीपक का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है दीदी। इनफैक्ट डैमेज कंट्रोल के अलावा और कोई उपाय दिख नहीं रहा है मुझे। दीपक का विश्वास एक बार फिर से जीतो, तभी हम लोग इस घर में अपनी पुरानी जगह पा सकते हैं। पर कैसे? सुनिए माँ, एक काम करते हैं, आप फिर से दीपक के सामने नाटक करिए और उसे समझाइए कि आप अपनी हरकतों की वजह से काफी शर्मिंदा हैं, काफी दुखी हैं। ऐसा घटिया काम आप दोबारा कभी नहीं करेंगी और उसके बाद मैं और मामू बिल्कुल वैसे ही नाटक करेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। गुड आइडिया दीदी। वो लड़का तो ही इज एन इमोशनल फूल। नहीं तो इतना कुछ होने के बाद तो तुमको और हमको इस घर में एक दिन के लिए भी नहीं रहने देता वो। उसका सेंटिमेंट, इमोशंस, इसी सब से उसे घायल करना होगा। और अगर तुम ट्राई करोगी, आई एम वेरी श्योर दैट तुम ये कर पाओगी। एक बार माँ का इतना पुकारो दीपक, एक बार। क्या बात है माँ, क्या बात है। दीदी, as always, your acting is natural. तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, बस इसी तरह दीपक को तुम अपनी मुट्ठी में रखना। इनफैक्ट हम सबकी मुट्ठी में उसे रखेंगे। लेकर आऊंगी दीपक को, अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर आऊंगी और उसके बाद शुरू होगा काली के विरुद्ध युद्ध। भगवान भगवान, दीपक बाबू चाहे जितना भी कहे, लेकिन वो तो छोटकी माँ के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन छोटकी माँ अगर उनके सामने आंसू निकालेंगी तो क्या वो कभी खुद को संभाल पाएंगे? हमको बहुत डर लग रहा है भगवान, हमको बहुत डर लग रहा है। हम उनको कठोर होने के लिए बोलेंगे पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भगवान। वो तो अंदर से बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नरम दिल के है। आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, उनके ऊपर नजर रखिए, कृपा कीजिए भगवान। हम बस यही चाहते हैं, आप उनका ध्यान रखिए। सुनो दादी, मैं पहले सोचती थी कि इस दुनिया में सबसे बुद्धू तो मैं ही हूँ, पर अब मुझे समझ में आया कि भैया मुझसे भी ज्यादा बुद्धू है। अगर कोई मुझे धोखा देता तो मैं उसे कहती कि अब भी इस घर से निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ, मैं अपने पीठ पीछे छुरी मारने नहीं दूंगी। लेकिन भैया, भैया जैसे इंसान है ना, जो छुरी मारने वाले को एक नई छुरी खरीद कर देंगे और कहेंगे कि मुझे मारो, जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती तब तक मारो मारो। डिस्गस्टिंग। रंगना कुछ गलत नहीं कह रही है माँ, सच में दीपक ऐसा काम करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बार भी नहीं सोचा, वो ऐसा करके खुद की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है और काली को भी मुसीबत में डाल रहा है, क्योंकि दीदी के रास्ते का काटा अब काली है। लेकिन दीदी, दीदी नाम से बुलाने का भी जी नहीं चाहता, पर आदत के अनुसार मुंह से निकल गया। अब उस औरत के रास्ते का काटा है काली, दीपक के लिए नहीं माँ, मुझे काली के लिए ज्यादा चिंता हो रही है। वो औरत काली को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? अब तुम्हारे ऊपर खतरा है काली, तुमको वो लोग जीने नहीं देंगे। एक और मतलब दुर्वा जे कहले रहली, अब वो सब सच होखे वाला बा। सच में संयुक्ता के रास्ता के कांटा काली बिया, सब संपत्ति तक काली के नाम पर बिया। अब का होगी, अब वो कौन चाल चली काली के।
दीपक। भाई, इनका भाई बैग लेके। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ भाभी। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाभी, असल में माँ और मामा की तरह मैं इतना निर्लज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ वो लोग इस घर से नहीं जाएंगे। उन लोगों को अभी भी इस घर से बहुत कुछ हासिल करना है। बहुत मोह माया है उनको, और मेरे पास प्यार के सिवा तो और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ संयुक्ता वासु ने ही नहीं खोया है, उनका भाई और उनके दोनों बेटों ने भी खो दिया है। भाई भाई, ऐसा मत बोलिए। ना भाभी, मुझे बोलने दीजिए। वासु, ये पदवी, इस टाइटल को तो हम लोगों ने अपना लिया है, लेकिन इस घर के लोगों को हम लोग नहीं अपना पाए हैं भाभी। ये परिवार तो हमारा अपना ही है, लेकिन इस बात को माँ ने कभी समझा ही नहीं। क्यों? असल में सारा दोष माँ को देना ठीक नहीं है, हमारा भी कसूर है उसमें। माँ जब अन्याय कर रही थी उस समय तो मैं हमेशा ही भाई को सचेत करना चाहा, लेकिन भाई मेरी बात नहीं माने। और अगर वो मैं नहीं कर पाया तो इस घर में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। नहीं 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 भाई, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। आप ही घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको अपना छोटा भाई मानते हैं, और आप भी हमको अपना दीदी मानते हैं। बोलिए, मानते हैं ना? आप दीदी को छोड़ के ऐसे चले जाएंगे? बड़े साहब दादी को छोड़ के ऐसे चले जाएंगे? भाई चले जाएंगे? आपका तो कोनो गलती नहीं है, और बड़े साहब का ऐसे ही सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ, सिर्फ आप ही तो एगो भाई हैं जो दिल से बड़े भाई को इतना प्यार करते हैं। और अगर आप चले गए तो इंसान बिल्कुल टूट जाएगा। दया करके भाई आप मान जाइए, वो इंसान को आपका जरूरत है। भाई, मुझे रोकना चाहती हो? मुझको, संयुक्ता बासु के बेटे को? हमारे ऊपर इतना विश्वास मत कीजिए भाभी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे शरीर में मेरी माँ का खून बह रहा है, और बहुत जहरीला है वो खून। कब वो जहर सिर पर चढ़ जाएगा कोई नहीं बोल सकता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर से मेरे भाई का नुकसान हो। इसीलिए भाभी, मुझे जाने से मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। भाई भाई, हमारी बात सुनिए, आप ही घर को छोड़ के मत जाइए। भाई सुनिए, भाई। दीदी, हमको माफ कर दो। दीदी, हमको माफ कर दो। हमने दीपक के साथ अन्याय किया है दीदी, हमने दीपक को तकलीफ दी है, धोखा दिया है उसको। हमको माफ कर दो दीदी, हमको जो जिम्मेदारी अब सौंप पर गई थी उसे हम नहीं निभा पाए दीदी, नहीं निभा पाए। हमको माफ कर दो दीदी, माँ बनने के बजाय दीपक के शत्रु बन गए दीदी। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो दीदी। प्लीज ये सब बंद करिए, प्लीज ये सब बंद करिए, प्लीज। आप यहां पर क्यों आई हैं? और लाइट्स ऑन क्यों की? मैं कह रहा हूं कि आप इस कमरे से चली जाइए,
चले जाइए, मैं कह रहा हूँ कि चले जाइए, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। चली जाऊंगी दीपक, चली जाऊंगी, मत देखो चेहरा। हाँ, हमारा चेहरा भी मत देखो दीपू, हम जानते हैं तुम हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, हमको पता है, पर ये लाइट जलते रहने दो। हाँ, हमको तुमसे कुछ बात करनी है दीपक। बात? आपके साथ कोई बात नहीं हो सकती है, आपके साथ बिल्कुल कोई बात नहीं हो सकती है माँ। नहीं नहीं माँ, नहीं, और माँ नहीं, माँ नहीं, मैं आपको माँ कहकर नहीं पुकारूंगा, बिल्कुल नहीं, 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 ऐसे नहीं चलेगा। हमको नाटक का लेवल थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दीपक, ठीक है, माँ बुलाने की जरूरत नहीं है हमको दीपक, हमको पता है हम तुम्हारी माँ बनने के लायक भी नहीं है, हमने तो माँ बनने का अधिकार ही खो दिया है, तुम्हारी सौतेली माँ बनकर रह गई। मैंने आपको कभी भी सौतेली माँ नहीं माना था, लेकिन आपने हमेशा मुझे सौतेला बेटा माना था, और आज पीको की बात से ये साबित हो चुका है। मेरे साथ जो भी हुआ है उसके बाद इस सौतेले शब्द से मुझे 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 डर सा लगने लगा है, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज मुझे बताइए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया आपने, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। असर तो बहुत अच्छा हो रहा है। सही कह रहा है दीपक, हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। हमको देखकर तो कोई बच्चा सौतेली माँ पर अब कभी भी विश्वास ही नहीं कर पाएगा दीपक, उससे कभी प्यार नहीं कर सकेगा। हम बहुत बुरे हैं दीपक, बहुत बुरे, इसलिए हमने एक डिसीजन लिया है, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। विक्की और पीकू को लेकर इस घर को छोड़कर चले जाएंगे दीपक, इसलिए हम यहाँ आए हैं कि एक आखिरी बार तुमसे बात कर लूं दीपू। भाई, भाई, माँ जाइए, भाई, भाई, दादी माँ, चाची जी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी से आइए ना, देखिए भाई जा रहे हैं, भाई भाई जा रहे हैं, चाची का? जी। ईका जी, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना तो पड़ेगा ही चाची, भैया के साथ जो इतना अन्याय हो रहा है उसके पीछे मेरा भी तो हाथ है, और इसीलिए इस अन्याय के प्रायश्चित के लिए हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। ना जीत, तू कहो ना चाइबा, हम बहुत अच्छा से जाने नहीं, तोहार माँ तोहार मामा चौन षड्यंत्र रचले बाड़े ओकरा में तोहार कौनो हाथ नहीं खे, कि हम बहुत अच्छा तरह से जानत बानी, यही खातिर तू कहू ना जाइबा। सारे लोग तो जीत को ही रोक रहे हैं, पर मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। वैसे भी हमको पाप का फल मिल रहा है, जो पाप हमने किया है, जो षड्यंत्र हमने किया है, इसीलिए तो सबको चाहता है कि हम यह घर छोड़कर चले जाएं। दीपक के साथ जो अन्याय हम लोगों ने किया है, शायद दीपक भी यही चाहता होगा। चलिए अब हमको अनुमति दीजिए, मौसी जी चलता हूं।
विक्की के हाथ में सूटकेस देख रहल बानी। सच में जा रहल बा कि नाटक कर रहल बाई। घर से जाए तबे सबके मंगल है। दीदी तो दीपू को संभाल रही है, मुझे यहाँ और थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। देखता हूँ आंसू बहाने से इनका मन पिघलता है कि नहीं। आप लोगों ने हमको माँ का प्यार दिया था मौसी जी, बचपन में माँ को खो दिए थे। आपने हमको माँ का प्यार देकर हमारा जीवन सुखमय कर दिया था, पर हम अपने कर्मों से सब कुछ छोड़ दिए हैं मौसी माँ, सब कुछ। मौसी जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ नयन। तुम्हारे साथ हमने बहुत अन्याय किया है, पर तुमने हमको पुलिस में नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। सारा जीवन हम तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। पुलिस को नहीं बुलाया इस वजह से आभारी रहने का जरूरत नहीं है मामा जी। अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता ना, तो फिर आप लोग के लिए पुलिस बाबू को जरूर बुलाते। आप लोग के जैसे ढोंगे इंसान को पुलिस में ही दे देना चाहिए। लेकिन हमसे गलती हो गया कि ये सब फैसला लेने का जिम्मेदारी हम बड़े साहब को दे दिए थे। वो बहुत दयावान इंसान है, इतना अन्याय करने के बाद भी, इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी आप लोग बच गए मामा जी। सही बोल रही हो काली, बहुत अन्याय किया है हमने। असल में लालच में हमारा दिमाग खराब हो गया था। रहने दीजिए मामा जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आँख से तो आंसू भी ठीक से नहीं निकल रहा है, फिर काहे आँख पोछ रहे हैं आप? हमारे आंसू तुमको नाटक लग रहा है क्या काली? असल में हमारे जैसे इंसान अगर सच भी करे तो झूठी लगता है। That's quite natural, वही तो normal है। तुमको अगर लगता है कि मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ तो मैं मान लूंगा काली, लेकिन दीपक जिसको बचपन से ही मैंने देखा है, अगर उसको भी ये सब नाटक ही लगेगा तो तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊंगा काली, कहाँ जाऊंगा? इसीलिए तो मैं भांजे के पास नहीं गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम वो मुझे वो माफ कर दे। बहुत परेशान किया है तुमको, बहुत परेशान, और परेशान नहीं करूंगा। अब मैं चला जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। ये क्या, अभी भी हमको कोई रोक नहीं रहा है? आप सचमुच में जा रहे हैं ना मामा जी? तू भी हमारे साथ मजाक कर रहा है नजीत? अगर नहीं जाना होता तो फिर सूटकेस लेकर क्यों आता? गुड, वेरी गुड। आपके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। पर आप अकेले ही क्यों? माँ कहाँ है? पीकू कहाँ है? रंगना, मेरी बात सुनो रंगना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो ना दोस्त, कुछ करो ना। देखो ना, पीकू हमसे कह रहा है कि बैग पैक करके जाना पड़ेगा, इन लोगों के साथ हमको जाना पड़ेगा। प्लीज दोस्त, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप रोइए मत, दया करके मत रोइए, आप शांत हो जाइए ना। देखो हम मूर्ख इंसान है, हमको ज्यादा समझ में नहीं आता। इस विलन के साथ जाएंगे तो हम भी विलन बन जाएंगे, दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करेंगे। प्लीज दोस्त, ये घर तो तुम्हारा है, तुम इनको रोक लो, कह दो कि तुम हमको जाने नहीं दोगे। हम तो आपको हम लोग के साथ ही रखना चाहते हैं, पर
पर आपके पति के ऊपर तो हम। काली, काली अगर तुम चाहती हो कि रंगना यहीं पर रहे तो वो यहाँ पर रह सकती है, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ काली, मुझे तो माँ के साथ जाना ही पड़ेगा। छोटकी माँ कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब तक उनका बैग पैक नहीं हुआ है। माँ, माँ तो भैया से आखिरी बार मिलने गई है। सच में भैया के कमरे के बाहर हमने उनका सूटकेस देखा। क्या कर रही हैं आप? छुटकी माँ बड़ साहब के कमरे में हैं। वो उनसे मिलने काहे गई हैं? ये क्या, काली ने तो फिर से हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। दीदी तो अंतिम बार अपने बेटे से मिलने के लिए गई है, उनको थोड़ा सा अलग से बातचीत तो करने दो, है ना? अलग से बात? इसका मतलब है छोटकी माँ बड़े साहब का कान भरने गई हैं। वो उनका फैसला बदलना चाहती हैं। छोटकी माँ, नहीं 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 नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो काली? हमको दया करके जाने दीजिए ना चाची जी, आपको बहुत जरूरी काम है। तुमको डर लग रहा है कि वो फिर से आंसू बहा के दीपक को मना लेगी? मत डरो, इन लोगों ने जो दुख दिया है दीपक को, धोखा दिया है। चाहे कितना कोशिश कर ले, दीपक का मन पिघल नहीं पाएगी। यहाँ तक संयुक्ता बासु आंसू बहाकर भी दीपक का मन पिघला नहीं पाएगी। काली, तुम देखना। शायद हमारा बोलना तुझको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बोल रही हूँ। तू अच्छे से रहना दीपक, अच्छे से रहना। पहले से ही तू बिजनेस को लेकर टेंशन में रहता है, अब हमारे जैसे बुरे इंसान की वजह से चिंता करके अपनी तबीयत मत खराब कर लेना दीपक। तो ठीक है, अब हम चलते हैं दीपक। थोड़ी देर पहले तो पिघल रहा था, फिर अब इसको क्या हो गया? इतने आंसू बहाए, इतना नाटक किया, फिर भी इस पर कोई असर नहीं। हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखोगे क्या दीपक? हमारे चेहरे की तरफ एक बार भी नहीं देखोगे? हम जा रहे हैं बेटा, एक बार तो हमारी तरफ देख लो ना दीपक। दीपक के लिए चिंता मत करो काली, दीपक खुद को संभाल लेगा। तुम पहले इसको बाहर निकालो, ये कीड़ा के तरह चिपका रहेगा, सारा दिन कहेगा जाएगा जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इसको साफ साफ कह दो कि अभी इस घर से निकल जाए। भक्का देकर बाहर निकाल दो इसे। चाची जी, हम मामा जी को लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं। हम लोग मामा जी को लेकर बाद में भी सोच सकते हैं। अभी हमको एक बार ऊपर जाने दीजिए चाची जी। आप तो बड़े साहब को जानती है ना, जानती है ना, इंसान बिल्कुल नारियल जैसा है, बाहर से सख्त पर अंदर से बहुत नरम है वो। चाची जी, बड़े साहब तो छोटकी माँ को खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर इस समय अगर छोटकी माँ उनके सामने आंसू बहाती है तो फिर हमको नहीं पता वो अपने आप को मजबूत रख पाएंगे भी कि नहीं, हमको नहीं पता। सर्वनाश होने से पहले हमको एक बार ऊपर जाने दीजिए चाची जी, दया करके हमको जाने दीजिए। लो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। दीदी आराम से दीपक का ब्रेन वॉश कर सकती है, लेकिन ये लड़की चली जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस एक बार बोल दे दीपक कि तू क्या चाहता है,
एक बार बोल दे बेटा, हम सुनकर चुपचाप चले जाएंगे। ऐसे चुप मत रह दीपक, बोल बोल दीपक। दीपक क्या बोलेगा अब, क्या बोल सकता है ये? मुझे रहने के लिए नहीं बोलेगा क्या? आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकती हैं। आपको यहाँ रहने के लिए मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ। आप नीचे गिर सकती हैं, लेकिन मैं आपकी जैसी हरकत नहीं कर सकता। मैं अपनी नजरों में नहीं गिर सकता। मैं सबसे पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन अगर आप इस घर को छोड़कर यहां से जाना चाहती हैं, तो मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। आप यहां से जा सकती हैं। चली जाऊं? तू हमको यहां से जाने के लिए कह रहा है दीपक? तो फिर ठीक है, हम चले जाते हैं दीपक, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। पर तू क्या हमारी एक बात भी नहीं सुनेगा दीपक? अदालत में अपराधी को भी बात करने का मौका मिलता है ना दीपक, तो तू हमको एक मौका भी नहीं देगा क्या दीपक? अब आपके पास बोलने के लिए क्या बचा है माँ, और क्या बोलना चाहती हैं बोलिए। माँ आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? बताइए आपने दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि हम कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, सिर्फ तुझसे, क्योंकि हमको लगता है कि तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, किसी भी बात को नहीं सुनना है मुझे। हम जानते हैं तुम कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन दीपक 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 हमें एक बार बात करने का मौका दो, हमारी बात सुन लो दीपक। हाँ हमको बोलने दो दीपक, प्लीज हमको बोलने दो, विश्वास करो विश्वास करो। हाँ हमने जो कुछ भी किया है सब अपने बच्चों की भलाई के लिए किया है। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए हम बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत गंदे इंसान हैं, लेकिन हमने सब कुछ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही किया है, सब कुछ उनके लिए किया है, हमारा विश्वास करो दीपक। आप झूठ बोल रही हैं, ये सब झूठ है। आपने अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया है माँ, कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं छोटकी माँ अभी तक बड़े साहब को कहाँ समझा रही होंगी। बड़े साहब दरवाजा खोलिए बड़े साहब। अब ये काली फिर से आ गई, उफ, इसका भी अभी ही आना था। नहीं नहीं नहीं, अब ये नाटक बंद करना पड़ेगा। वो दीपक नहीं है, उसके सामने तो हम नाटक भी नहीं कर सकते। अब क्या करें हम? बड़े साहब आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? दरवाजा खोलिए बड़े साहब, हमको अंदर आने दीजिए। नहीं काली, माँ मेरे साथ अकेले में बात करना चाहती हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या बोलना चाहती है, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं बड़े साहब दया करके आप किसी का बात मत सुनिए, दया करके हमको अंदर आने दीजिए, दरवाजा खोलिए ना बड़े साहब। काली तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस वक्त दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं आज माँ के मुंह से सुनना चाहूंगा कि माँ और कितना झूठ बोल सकती है। आप बोलिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। अब हम क्या करें?
बड़े साहब तो हमरा बातें नहीं सुन रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हमरा बात सुनिए बड़े साहब। बड़े साहब, आपको किसी का बात सुनने का जरूरत नहीं है। आप दया करके दरवाजा तो खोलिए ना बड़े साहब। नहीं नहीं, हम सब नहीं होने दे सकते हैं। हमको कैसे भी करके अंदर जाना ही पड़ेगा। हम क्या करें? हम दरवाजा तोड़ देते हैं। काली, काली, ये तुम क्या कर रही हो? चाची जी, छोटकी माँ बड़े साहब के साथ बात कर रही है। फिर से उनको गलत समझाने का कोशिश करेंगी। हमको कुछ भी करके उनका ये बातचीत रोकना पड़ेगा। चाची तुम शांत हो जाओ बेटी, तुम चलो, तुम आओ, आओ हमारे साथ। नहीं, आओ, नहीं, आओ। नहीं नहीं, हम बड़े साहब को माँ का बात नहीं सुनने देंगे। हम छोटकी माँ को कुछ भी नहीं करने देंगे। बड़े साहब नहीं सुनने देंगे। हमारा बात तो सुनो। तुम बेकार में चिंता कर रही हो काली, कुछ भी नहीं होगा बेटी। तुम दीपक के गुस्से को तो जानती हो ना, और वो दीदी से बहुत ज्यादा गुस्से में है। दीदी चाहे कुछ भी कर ले, उसका मन नहीं पिघला पाएगी, तुम देखना। नहीं चाची जी, नहीं, आप समझने का कोशिश नहीं कर रही हैं। छोटकी माँ कितनी भयानक इंसान है वो हम जानते हैं चाची जी। चाहे बड़े साहब जितना भी कहे कि वो छोटकी माँ का नाटक और झूठ पकड़ सकते हैं, पर छोटकी माँ बहुत भयानक इंसान है। बहुत चालाक है वो। उनका झूठ भी सबको सच लगता है चाची जी। और दीपक बाबू के पास उतना क्षमता नहीं है कि वो समझ पाएंगे। छोटकी माँ कब उनको अपने झूठ के जाल में फंसा लेंगी? बड़े साहब को पता भी नहीं चलेगा चाची जी, उनको समझ में नहीं आएगा। झूठ लगना तो स्वाभाविक है ना दीपक। असल में विल को लेकर हमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो हमारा सब सच भी झूठ लगेगा। झूठ नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया उस नकली विल को बनाकर? आप ऐसा क्या भला करना चाहती थी जिसके लिए आपको ये नकली विल बनानी पड़ी? सिर्फ तेरे लिए तूने जो कुछ भी कहा अपने कान से सुना है ना दीपक? मतलब दीपक, तेरे अलावा मेरे दो और भी बेटे हैं। हमने उनको जन्म दिया है, हम उनकी माँ हैं, वो हमारे खुद के बच्चे हैं। तू हमें हमेशा भूल जाता है। हाँ यही सच है, तू सच में हमें भूल जाता है, इसलिए तूने वो बात कही। शादी होने के बाद जब इस घर में आई, तब मेरे जीत और पीकू दोनों बहुत छोटे थे। उनके पापा को बुलाकर हमें तपोव्रत को पापा बोलना सिखाया था, तुझे बड़ा भाई कहना सिखाया था, बड़े भाई का सम्मान देना सिखाया था। और विकी सिर्फ उनका मामा नहीं है, वो तो तेरा भी मामा है ना, तुझको भी बहुत प्यार करता है। हमने हमेशा तुझको प्रायोरिटी दी है, हमेशा अपने बेटे से ऊपर समझा है, हमेशा उनसे ज्यादा समय दिया। तुझे उनको विदेश में नहीं भेजा, बल्कि तुझे भेजा ताकि तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। और जीत पीकू ने हमेशा हमेशा तेरे लिए कुर्बानी दी है, हमेशा दीपक।